दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, वीडियो को पॉज करके यहीं पर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आज का डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस दुनिया में, इस धरती पर या फिर कहीं पर भी, जहां तक भी आप लोग सोच सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप लोगों से मैं पूछूं, यहां पर एक शब्द में आप लोगों को बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में क्या है। मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा, वो माँ बाप बताओ या फिर वो चीज, मतलब आप लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? घर वालों को छोड़कर, वो तो सबकी जिंदगी में होते हैं, उसके अलावा क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, जिसको कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है? तो ऐसी कौन सी चीज होगी अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछूं? तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं आप लोग क्या सोचते हैं अपनी अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो आज है 12 दिसंबर, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। संडे है, संडे को वैसे तो फंडे बनाते हैं, पर लेकिन आज थोड़ा सा फंडे आप लोगों का कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल कुछ ज्यादा हो गए, तो इसलिए डिटेल में डिस्कस करूंगा, और कुछ आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बोला था जो बच जाएंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर आज टाइट रहेगा ये वाला दिन, तो अच्छे से काफी कुछ आर्टिकल्स और काफी कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आप लोगों का एक माइंड सेट भी डेवलप करेंगे कि आप लोग किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। एक यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल पूरा एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज आप लोगों को नजर आएगा, जिसमें आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन भी मैं साथ साथ में कवर करा के चलता हूँ, क्योंकि करंट अगर कवर करा दिया तो उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। करंट में जो चल रहा है उसके बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही आप लोगों ने दोनों वीडियो के अंदर देखा होगा। जो वीडियो शाम को आती है 8:30 बजे और 2 मॉर्निंग में आती है, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट में फॉलो करता हूँ, और इसीलिए आप लोग के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी फंसते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पैटर्न को लेकर चलना है। आज है संडे, संडे को आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन भी दूंगा मैं। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिकली अगर कोई सिचुएशन बनती है सोसाइटी में उसको साथ में कैसे डील करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है? अच्छे से एंजॉय करना। एक और छोटी सी बात, जो कल शाम को आप लोगों की जो वीडियो आई थी नैनो मैगजीन, उसमें मैंने रिविजन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स बच गए थे, तो मुझे लगा रिविजन तो आप लोग एक बार को खुद भी कर लोगे, पर लेकिन जो आर्टिकल बच जाते हैं वो आर्टिकल कवर कराना जरूरी है, उनको खुद से अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का लग जाएगा। तो इसलिए मैंने जो बचे हुए आर्टिकल्स थे वो वहां पर आप लोग कवर करा दिए। तो जो रिविजन वाला फंडा है वो आप लोग थोड़ा सा एक बार बैठे खुद से देख लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों के पास में, सारी वीडियोस आप लोगों के पास में, जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको जरूर कवर करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो रिविजन तो आप लोग एक बार खुद भी कर लोगे ना, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दी है मैंने, अगर बात करो टेलीग्राम के ऊपर भी और वीडियोज भी है। तो इसीलिए मैंने कल जो है पूरा आप लोगों को टॉपिक डिस्कस कराया, इसमें स्कीम डिस्कस कराई है, बेसिकली कई सारी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उनको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तो अच्छे से उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी। आइए अब आगे चलते हैं, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है आज के इस डिस्कशन के अंदर, एक एक कर देखेंगे, काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों से यहां पर बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा। कल हुआ क्या, इंडिया के द्वारा मेडिकल जो रिलीफ असिस्टेंट भेजा गया अफगानिस्तान को, यानी कि अफगानिस्तान में जब से यहां पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से लेकर काफी सारी दिक्कतें चल रही थी कि कैसे अफगानिस्तान को लेकर चलना है। तो अभी आराम आराम से, जैसे नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई रेतला पानी होता है बहुत ज्यादा, जिसमें रेत रहता है पानी में, उसको थोड़ी देर के लिए बाल्टी में अगर आप लोग रख दोगे तो रेत जो है वो नीचे बैठने स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे चलने वाले हैं, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है अब नॉर्मल सोल्यूशन होता हुआ जा रहा है। अफगानिस्तान में काफी लंबे समय तक काफी जद्दोजहद रही। यहां पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके द्वारा 2001 में एंट्री की गई थी यहां पर रजनीकांत की तरीके से, कि अफगानिस्तान में से तालिबान को उखाड़ कर फेंकेंगे। यानी कि इससे पहले भी यहां पर तालिबान ही था भाई साहब जब यूएस से आया, और 20 साल तक यहां पर ये दांडव करके गए। 20 साल में 4 जो प्रेसिडेंट हैं इनके खप गए इसमें, एक बुश, एक ओबामा, यहां पर ट्रंप और यहां पर बाइडन। तो इसी के चलते अब यहां पर बाइडन जो है ये निकल कर गए, तो इसमें के बाद भी यहां पर तालिबान ही आ गया है। यानी कि इनको 20 साल लग गए तालिबान से तालिबान को रिप्लेस करने में, ठीक है? तो ये काफी ज्यादा इसकी मजाक भी बनी थी कि 20 साल में भाई साहब अफगानिस्तान में तालिबान से तालिबान को ही रिप्लेस करके चले गए, तो ये हरकतें इनकी देखने को मिली। इसी में यहां पर इनके द्वारा जो सिविलियन लोग हैं, जो वहां के लोकल कम्युनिटी के लोग हैं अफगानिस्तान के या फिर जो पाकिस्तान के, उनको दोनों को मिलाकर 71,344 यानी कि टोटल मिलाकर 71,000 लोगों की जान चली गई यहां पर। इसी के साथ में यूएसए और जो नेटो की फोर्स है उसके भी लगभग 3,500 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ में जो नेशनल मिलिट्री और जो पुलिस है वहां पर अफगानिस्तान की खुद की और पाकिस्तान की जो फोर्स है उनकी जान चली गई यहां पर 78,000 के करीब। टोटल अपोजिशन के जो फाइटर हैं उसकी भी लगभग 84,000 के करीब जान चली गई जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की थी। यानी कि लगभग 2.5 लाख के करीब लोगों की जान लेकर यूएसए के द्वारा तालिबान से तालिबान को ही रिप्लेस कर दिया गया।
और ये बोला कि तालिबान ही यहां पर तालिबान को थामेगा। इससे बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जिनकी डेथ हुई। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जब यूएसए में ओबामा के द्वारा, ओबामा नहीं ओसामा, ठीक है, ओबामा ओसामा दोनों भाई लगते हैं, मतलब नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वैसे बहुत डिफरेंस है। तो यहां पर एंट्री की गई इनके द्वारा, तो यहां पर क्या हुआ था, ओबामा ने, फिर से ओसामा ने, ओसामा बिन लादेन, ओसामा, ठीक है, ओसामा के द्वारा क्या किया गया था, यूएसए के अंदर यहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था इस पर अटैक किया, और अटैक करने की वजह से यहां पर लगभग 3000 के करीब लोगों की जान चली गई। तो इन 3000 लोगों की जान का बदला लेने के लिए यूएसए जो है अफगानिस्तान में घुसा और उसने वहां पर 2.5 लाख लोगों की जान ले डाली इस पर्टिकुलर मुद्दे के ड्यूरेशन में, अगर आप लोग देखोगे। और मुद्दा क्या था कि तालिबान को वहां से हटाकर फेंकना है, पर लेकिन यहां पर ये पहुंच गए, कहां पर ये पहुंच गए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर में, तो इनको पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, वो चीजें सारी आप लोग को पता है। पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर कि सिचुएशन इतनी दर बदतर हो गई अफगानिस्तान के अंदर, मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखोगे कि अफगानिस्तान में आज की डेट में खाने पीने रहने सोने सब चीजों के लाले पड़े हुए हैं। वहां पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, इवन वहां पर अगर बात करें जो गवर्नमेंट जॉब में जो ऑफिशियल है उनको जो काम करते हैं उनकी सैलरी भी उनको नहीं मिल पाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। इंडिया के द्वारा यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराई गई है, पर ये ध्यान रखना इंडिया ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है तालिबान को कि तालिबान जो है वहां पर एक सही गवर्नमेंट है और वहां पर लेकर चलता है। तो नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलते हैं कि भाई साहब जो दिक्कतें यहां पर चल रही हैं उनका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो उसी के चलते यहां पर ये अभी हमारे द्वारा गिफ्ट सेंड किया गया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या थी, वैसे नॉर्मली अगर हम लोग सामान भेजते थे तो हम लोग पहले चाबहार पोर्ट पर जाते थे मुंबई से, फिर यहां पर अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करते, हम लोग यहां पर अफगानिस्तान में सामान भेजते थे। अभी हम लोगों ने क्या बोला तालिबान को कि देख यार तालिबान, तुम यहां पर आज के में रूल कर रहे हो और तुम्हारी जनता भूखी मर रही है, उनके पास में खाना नहीं है और दवाई नहीं है, हम भेजना चाहते हैं, पर लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करने देता यार अपना जो कंट्री है लैंड रूस से। तो तालिबान ने बोला देख पाकिस्तान, तुमको बहुत हो गए तुम्हारी चकचक, अब तुमको हमारी माननी पड़ेगी, इंडिया अगर कुछ लेकर आता है तो उसको अलाउ करो। तो एक तो ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया। अभी हालांकि जो सामान हमारे द्वारा भेजा गया वो यहां पर हमारे द्वारा अभी एयर रूट से भेजा गया, पर लेकिन ये भी काफी बड़ा मुद्दा है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने वाला है, क्योंकि तालिबान जो है वो अफगान है और अफगान हमेशा कभी भी किसी के कब्जे में नहीं रहे, वो लड़ते हैं दबाकर जब तक उनसे लड़ा जाता है। अगर बात करें यहां पर, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा, ये गवादर और चाबहार का जो पोर्ट है उसके बीच में जो डिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगी ये लगभग 172 किलोमीटर के करीब आप लोग यहां पर नजर आएगी। ये यहां पर डिस्टेंस पहले गलत थी, इसको थोड़ा राइट कर लेना। जब यहां पर चेक किया मैंने, एक बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया कि सर ये डिस्टेंस गलत लिखी हुई है, तो इसको चेक किया तो यहां पर वन जब तक गायब था वो 72 किलोमीटर लिखी हुई थी, तो ये 172 किलोमीटर है चाबहार और ग्वादर पेट के डिस्टेंस। तो ये किया गया है डेवलप इंडिया के द्वारा और ये किया गया डेवलप चाइना के द्वारा जो कि पाकिस्तान के अंदर में है। तो इसी के चलते अभी क्या किया गया, हमारे द्वारा जो कंसाइनमेंट भेजा गया यहाँ पर दवाइयों का और जो भी रिलीफ मटेरियल का, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, उसको हम लोगों ने बोला है कि हमारी तरफ से गिफ्ट है। और गिफ्ट किसकी किसकी साइड से, यानी कि हम इंडियन जो इनके हम हर एक हिंदुस्तानी की साइड से अफगानिस्तान के हर एक लोगों के लिए गिफ्ट हमारे साइड से शेयर किया गया। तो इसलिए बोला गया गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये हमारे द्वारा लिखा गया उसके ऊपर जो वर्डिंग जो लिखा गया जो सेंड किया गया है। अब हम लोग उस कैटेगरी में आ चुके हैं ईरान, कतर, यूएई, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान जो यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराता है तालिबान को। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि तालिबान के हाथ में ये रिलीफ मटेरियल नहीं जा रहा है, ये रिलीफ मटेरियल जा रहा है किसके हाथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, जो WHO वहां पर काम कर रहा है उसके हाथ में हम लोगों ने ये सामान भेजा है। और हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इंदिरा गांधी जो चिल्ड्रन हॉस्टल जो हॉस्पिटल है, यानी कि काबुल के अंदर में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है, ठीक है, तो यानी कि हमारी कंट्री में जो इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पर यहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है। हम लोगों ने वहां पर हॉस्पिटल बना रखे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी काम किया वहां पर, इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी काम किया, उनकी पार्लियामेंट बनवाई हम लोगों ने, वहां पर डैम बनवाया वहां पर, इवन हम लोग काफी सारे जो एक तरीके से सोसाइटी में रिलीफ के काम वहां पर करते हैं, उनकी एजुकेशन पर हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीजें, यानी कि हम लोग हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं और ऐसे सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कि उसके बदले हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं होता है। तो ये है हमारे हिंदुस्तानियों का दिल। पर लेकिन अगर बात करेंगे चाइना, तो चाइना हड्डी चूसने के चक्कर में रहते हैं। अभी चाइना वहां पर क्यों एंट्री कर रहा है, क्योंकि लिथियम काफी ज्यादा है अफगानिस्तान में बताया जा रहा है मिलता है, और उसके चलते आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं। पर लेकिन लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है, और आगे आने वाले टाइम में जो डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस कर जो अभी यहां पर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसमें लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए अफगानिस्तान में उसको निकालने के लिए घुस गया चाइना। तो चाइना जो है वो बहुत ही एक तरीके से अखंड गुनहगार आदमी है, ऐसी हरकतें वहां पर करता है, तो इसलिए आप लोग उसको जो है
मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसकी अच्छी इमेज नहीं रहती है जहां पर भी वो जाते हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, वो हमेशा तालिबान में हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है कि तालिबान को सपोर्ट किया जाए, पर लेकिन पाकिस्तान भी क्या करता है, गुड और बैड तालिबान वाला फंडा लेकर चलता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या नॉर्मल बनता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गोद में बैठा रहता है चाइना की। अब चाइना को कह रहा है देखो इंडिया घुस गया, अगर ठीक है तालिबान की हेल्प करने लगे तो कह रहा ना मुन्ना ना, मैं अभी देखता हूँ इंडिया क्या, इंडिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों बदतमीज इंसान है, तो इनकी बदतमीजी चलती रहती है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी बातें बताई, ठीक है। ये था एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आगे एडिटोरियल भी आएंगे, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो पॉलिटिक्स आप लोगों का चैप्टर सॉरी चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी क्या बात की गई है, जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, तो प्रोटेस्ट साइट जो है उनके द्वारा खाली कर दी गई है। तो उसी के चलते काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बन गया कि प्रोटेस्ट साइट खाली कर दी गई है। तो लगभग 380 दिन तक यहाँ पर फार्मर जो है प्रोटेस्ट करते रहे, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल में, तो एक साल से भी ज्यादा है। सर्दी उतर गई, गर्मी उतर गई, बारिश उतर गई किसानों के सरों से, वो सारी चीज देखने को मिली। पर जो प्यारी चीज मुझे अभी लगी यहाँ पर, वो अच्छी लगी कि जब यहाँ पर फार्मर जो है वो अपना सारा सामान जो भी था यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट साइट पे एस्टेब्लिश किया था वो सारा उठाकर जब गए, तो बोला गया कि प्रोटेस्टर जो है यहाँ पर उनके द्वारा क्लीन अप किया गया बिफोर हेडिंग होम, यानी कि अपने घर जाने से पहले उनके द्वारा वो सारा एरिया वहां पर क्लीन भी किया गया। ऐसा नहीं कि वहां पर गंदगी छोड़कर ऐसे चले गए जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये वाली एक तरीके से कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीज है कि हाँ आप लोग जो काम कर रहे हो वहां पर, नहीं कहते घर में, आप लोग जब सुबह उठा करो ना, तो ये काफी अच्छी हैबिट है अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ में इनकल्केट कर पाते हो। ये है मॉर्निंग में जैसे आप लोग उठते हो सबसे पहले अपना, जब से जैसे आप लोग पैर नीचे रखते हो मतलब बेड से अपने बिस्तर से, तो सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करो, ठीक है, यानी कि जो चद्दर है या फिर रजाई जो भी आप लोग ओढ़ते हो पहले उसकी प्रॉपर फोल्ड करो, उसकी तह बनाओ और उसको साइड में रखो, तो वहां से आप लोगों का दिन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि सबसे पहले अपना बिस्तर बनाने की आदत भी आप लोगों को डाल लेनी चाहिए बिस्तर से उठने से पहले। ये आदत अगर आप लोग बनोगे तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएगी। जहां पर खाना खाते हैं वहीं पर ही बर्तन छोड़ के नहीं जाना है कि मम्मी उठा लेगी बहन उठा लेगी, नहीं, उसको प्रॉपर रख कर आओ जहां पर बेसिकली बर्तन धुले जाते हैं। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं जो छोटी छोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कपड़े जो भी हैं आप लोगों के उनको प्रॉपर तह कर रखो, जो भी आप लोगों के स्कूल की ड्रेस है या फिर आप लोग कहीं काम करते हैं पता होना चाहिए कहां पर पड़ा है, यानी कि सुबह उठते मेरा बटुआ कहां पड़ा है, मेरी शर्ट कहां पड़ी है, मेरी पैंट कहां पड़ी है, नहीं, आप लोगों खुद की चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग खुद से टैकल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ तो ये काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों की लाइफ में आगे चलकर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कई जगह, जैसे सिंघू बॉर्डर हो गया, ठीक है, इधर गाजीपुर बॉर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा और टिकरी बॉर्डर, तो ये कई सारे एरिया थे जहां पर प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा किया जा रहा था। तो अभी यहां से जैसे जैसे इनके द्वारा अपना जो भी सामान था उठाया गया तो वहां पर क्लीन वगैरह किया गया, वो सारी बातें योगेंद्र यादव के द्वारा ये बोला गया। चार धाम थे यहां पर ये, यानी कि जैसे चार धाम होते हैं, तो यहां पर जहां जहां प्रोटेस्ट करे थे उसको चार धाम के साथ में इनके द्वारा एक तरीके से मतलब बोला गया कि चार धाम थे, तो एक अलग तरीका मुद्दा बन गया कि चार धाम के साथ में कंपेयर कर दिया। तो ये सारी बातें आप लोगों के काम की नहीं है पर पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो घर पहुंचे तो सेलिब्रेशन हुआ, ये भी आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, ये आप लोगों से पूछेगा क्या उसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे यहां पर राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और इसी के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएस पार्ट 2 है इसमें भी आप लोगों का ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, तो इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला कि आज के डेट में अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, पर लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रास्ते को बहुत लंबे समय तक ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिटीजन के पास में भी उनका अधिकार है कि उनके आने जाने के रास्ते में कोई भी इंटरफेयर न करे। तो यानी कि प्रोटेस्ट करने का मतलब यहां पर यह कि प्रोटेस्ट करिए आप लोग, पर लेकिन दूसरों के आने जाने का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक यहां पर बनता है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे तो कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आप लोग जाकर ढूंढने लगो कि यार राइट टू प्रोटेस्ट संविधान में कहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बताता है कि अच्छा इसमें से आप लोग राइट टू प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे आप लोग फ्रीडम ऑफ जो प्रेस और मीडिया के बारे में बात करते हैं ना कि यहां से हमारे जो संविधान से निकाला गया, तो ये आर्टिकल 19 का आप लोगों को देखने को मिलेगा ए, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया के बारे में बात की जाती है। तो इसी तरीके से आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर क्या कर रखी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रखी है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रखी है, तो इसी से यहां पर मुद्दे आप लोगों के निकाल कर लाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, कोई भी आर्टिकल हो, जैसे यहां पर आर्टिकल 19 के बारे में आप लोगों को बता ही देता हूं, बहुत बार रिपीटेडली ये यूज होने वाला है। अभी जब आप लोग बात करते हैं राइट, जब आप लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब पहले के अंदर आप लोग जाओगे तो इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। क्या? पहला बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी से आप लोगों का रेडियो न्यूज़पेपर ये सारी चीजें निकल कर आती है, आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा बात करें यहां पर
बात की जा रही है असेंबली पीसफुल और इसी के साथ में विदाउट आर्म, यानी कि कहीं पर आप लोग इकट्ठा होना है तो पीसफुल रहोगे बिना किसी हथियार के। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर एक तरीके से एसोसिएशन या फिर यूनियन आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। और इसी में अभी रिसेंटली हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसमें आप लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एड की थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें तो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अपने देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी आप लोगों के सामने रोड़ा नहीं अड़ाएगा। तो ये बोला गया यहाँ पर कि अगर कोई भी इंसान कहीं भी घूम सकता है, तो अगर फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसकी तरीके से जो लोग हैं जो अपना आराम से घूम सकते हैं तो उनके घूमने का अधिकार एक तरीके से खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज करें तो किसी और का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए। इंसान कहीं भी जाकर देश के अंदर कहीं भी सेटल हो सकता है। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब बिजनेस के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मुद्दा ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया भी था, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि आर्टिकल जो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आप लोग यहाँ पर 19 से लेके 21 तक आर्टिकल आते हैं, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखेगा। और ये आप लोगों से प्रीलिम्स से पूछ ही लिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ये हर एक इंसान को अवेलेबल है, ठीक है, नॉट ओनली इंडियन सिटीजन। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान से इसको लीगल राइट बनाया गया था, एक फंडामेंटल राइट हटाकर। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अगर फंडामेंटल राइट रखेगा राइट टू प्रॉपर्टी, तो कल वो किसी की जमीन लेनी है तो वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट हो गया, वो कोर्ट में चला जाएगा। तो हमको हॉस्पिटल बनाने हैं कहीं पर, ठीक है, डैम बांध बनाने हैं, हमको सड़क बनानी है, रोड वगैरह, तो नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि वो अपनी जमीन बेचेगा ही नहीं, और जमीन नहीं बेचेगा तो कैसे काम चलेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर एक लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अभी मैं आप लोगों से जो आगे बात करने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप लोगों के कई सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट ए है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, तो फ्रीली आप लोग अपना एक्सप्रेशन जो है वो ओपिनियन आप लोग रख सकते हैं। और आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट का जो बी है, ये राइट टू एसोसिएशन के बारे में बात करता है, जो कि यहां पर आप लोग एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर ये किस लिए फॉर्म करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ऐसा काम कर दिया गया जो आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यहां पर अभी क्या किया गया, इसको चैलेंज करने के लिए किसानों ने यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो ये इसी चैलेंज के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंड है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों के सामने नजर आएगा कि आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लोग पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और सार्वजनिक सभा भी आप लोग कर सकते हैं। ये अधिकार है आप लोगों का जो आप लोगों को फंडामेंटल राइट में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का अधिकार यहां पर है, और मिलजुल कर आप लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो वो एक तरीके से आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा, आप लोग अगर यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं और प्रोटेस्ट में वायलेंस हो जाता है, और पता चला किसी की गाड़ी जला दी, किसी की बाइक जला दी, किसी को मार तोड़ कर दी, वहां पर प्रॉपर्टी तोड़ दी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है संविधान के अंदर उसका हनन कर रहे हैं। याद रखिएगा पार्ट थर्ड में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पार्ट फोर में आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेंगी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। इसी आर्टिकल 51 के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी भी देखने को मिलेगी, जो कि ये बोलते हैं कि टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द एब्जोर्ब वायलेंस, यानी कि आप लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी भी यहां पर एक तरह से सेफगार्ड करनी है और वायलेंस भी नहीं फैलाना है, उसको रोकना है अगर कोई फैला रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों की ड्यूटी बनती है एक सभ्य सिटीजन होने के नाते। तो ये सारी चीजें हैं, पर लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, वायलेंस करता है, और यहां पर आप लोग रास्ता भी रोककर लंबे समय तक बैठ जाते हैं, कोई कल को कोई स्कूल में जा रहा है बच्चा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको डिलीवरी के लिए जाना है, तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो राइट टू मूव भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहां पर आप लोगों का जो प्रोटेस्ट का जो राइट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्या, भी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ये याद रखेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर, पर लेकिन उसके लिए कुछ मुद्दे हैं। ये आर्टिकल 19 का यानी कि 19 के अंदर में जो सेकंड पार्ट है ये बात करता है कि आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन के कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि भारतीय की अगर बात करें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर कोई यहां पर अखंड गुनहगार हरकतें करता है उसको नुकसान पहुंचाने की, तो फिर उसको यहां पर पकड़कर डाला जाएगा जेल के अंदर। देश की सिक्योरिटी को यहां पर अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके ऊपर, अगर हमारे पड़ोसी देश के साथ में अच्छे रिलेशन है, हमारे काफी प्यारे रिलेशन है पाकिस्तान और चाइना के साथ में, ठीक है, तो अगर उसको कोई बिगाड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब जिसके साथ में अच्छे रिलेशन है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में, ठीक है, तो अगर कोई इनके साथ में रिलेशन बिगाड़ने की कोशिश करता है किसी भी साथ में जिसके हमारे अच्छे रिलेशन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चाइना और पाकिस्तान के साथ में तो वैसे ही बिगड़े पड़े हैं यार, पब्लिक ऑर्डर कोई बिगाड़ेगा, इसी के साथ में अगर कोई यहां पर एक तरीके से मोरलिटी या फिर डिसेंसी यानी कि शालीनता या फिर नैतिकता में कोई इंटरफेयर करेगा,
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि कोई उंगली करेगा कोर्ट के मैटर में तो कोर्ट उसका अपना देख लेगा फिर, ठीक है। डिफेमेशन किसी की मान हानि नहीं करनी है, और इसी के साथ में कोई भी उकसाना नहीं है लोगों को लड़ाई के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके कैटेगरी में आप लोगों का राइट टू प्रोटेस्ट है, पर लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। राइट टू प्रोटेस्ट के साथ में राइट टू मूवमेंट किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये भी आप लोगों को आर्टिकल 19 का फर्स्ट का डी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था, आर्टिकल फर्स्ट का 19 का डी यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा डी। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आप लोग घूम सकते हो अपने देश के अंदर में, कोई भी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नहीं, मतलब कोई भी यहां पर घूम सकते हो एक सही तरीके से जहां पर काम करना है रहना है। तो राइट टू मूवमेंट भी आप लोगों का अधिकार है। तो यहीं पे यही तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल वैसे, ठीक है। किस तरीके से कि आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आप लोगों का अधिकार है, ठीक है। तो आप लोग आर्टिकल 19 के जो तहत अपना राइट टू प्रोटेस्ट करते हैं, पर आर्टिकल 19 यहां पर राइट टू मूवमेंट भी तो देता है। अगर आप लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो आ रहे हैं यहां पर गाड़ी में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनका भी तो फंडामेंटल राइट है राइट टू मूवमेंट। आप लोग उनके फंडामेंटल राइट का अगर हनन करेंगे तो दोनों के राइट जो है वो क्लैश हो गए, तो यहां पर आप लोगों के जो रिस्ट्रिक्शन है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये बातें यहां पर बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों के अधिकार जो है वो इस दायरे में है कि आप लोग उनको अच्छे से एंजॉय कर सको, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी और के आप लोग अधिकारों का हनन कर सको। तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो बोला भी गया कि राइट जो बोला गया कि राइट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट, यानी कि अगर कोई कंट्री कोई उल्टी सीधी हरकतें करती है कोई गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आप लोगों को फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग किसी और के इंडिविजुअल के राइट का हनन करोगे, उसके लिए भी आप लोगों का प्रोटेक्शन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। आप लोग घूम जाते हो कि कहां से आ गया क्वेश्चन, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। वो बोल देगा आप लोगों से कि जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल के खिलाफ आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब किससे प्रोटेक्ट करते हैं आप लोगों, तो इंडिविजुअल से नहीं, वो आप लोगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्मली यहां पर गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट उल्टी सीधी हरकतें ना करें। तो आप लोग अगर फंडामेंटल राइट अपना यूज करेंगे तो दूसरे के फंडामेंटल राइट है ना, आप लोगों ने रास्ता रोक दिया, पर दूसरे का तो घूमने का फंडामेंटल राइट है, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो राइट है ये ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा, यहां पर मैंने पढ़ाया था, आप लोग मुझे पढ़ाइए फिर इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन से जो आर्टिकल है हमारे देश में वो ओनली सिटीजन के लिए अवेलेबल है, ना कि बाहर वालों के लिए फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में। तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है। अब घूमने की भी दो चीजें हैं यहां पर, एक तो ऐसा आप लोग देश के अंदर ही घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाहर जाना है, तो बाहर जाना है या फिर वहां से आना भी है। तो जो पहले वाला है यहां पर बाहर जाना है या फिर आना है, जो दूसरे वाला, हां सॉरी, ये हमारे हाथ में अभी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत नहीं है। आर्टिकल 19 आप लोगों को इंटरनल बात करते हैं कि इनसाइड द कंट्री अगर आप लोग घूम रहे हैं तो वो तो आप लोगों को अधिकार देगा ना, इनसाइड अगर कंट्री घूम रहे हैं आप लोग कहीं पर भी घूम सकते हैं। पर लेकिन अगर बाहर जाना है आप लोगों को तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, तो फिर आप लोगों का देखने को मिलेगा जो सेकंड डायमेंशन है, बाहर किसी देश में जाना है तो आर्टिकल 21 आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी है, आप लोग कहीं पर जा सकते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आप लोगों के लिए यहां पर यूज होगा फिर, ना कि 19वां आप लोगों का यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर घूमोगे तो हमारे हाथ में ना, पर लेकिन अगर कहीं किसी और देश में आप लोग जा रहे हैं तो वो पर्सनल लिबर्टी की कैटेगरी में आ गया, तो वहां से आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये बातें बोलेगी यहां पर। तो राइट जो यहां पर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें, अगर आप लोग आजादी फ्रीडम पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसके तहत भी यहां पर इंपोज किया जा सकता है, आर्टिकल 19 के तहत भी यहां पर। यानी कि अगर आप लोग बात करें ना कि एक तरीके से जो फ्रीडम आप लोग की, जो आप लोग घूम सकते हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे मैंने बोला ना अभी प्रोटेस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर किसी का हनन कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग घूमने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कैसे? जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में। आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है, मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे जारवाहा कम्युनिटी जो कि यहां पर अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है, वहां पर अगर कोई जाता है तो कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। और वहां पर एक बार जो अमेरिकन सिटीजन वहां पर गया था, वो बोला था कि मैं उनको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा कम्युनिटी को, तो उसके चलते उसके ऊपर अटैक किया गया और दिक्कतें देखने को मिली। तो ये कई सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं, तो ये सारे मुद्दे भी निकल कर आते हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूं, नॉर्मली इसको आप लोग समझ भी पाओगे। अगर सोसाइटी में बात करें तो प्रोस्टिट्यूट होती है, जिनको नॉर्मली आप लोग वेश्याएं बोलते हैं, जो कि अपने देह को एज ए व्यापार करती है एक शरीर का, जिसके तहत वो अपनी रोजी रोटी चलाती है और अपना पेट पालन करती है, तो ये उनका काम है। पर लेकिन सोचिए अगर किसी को यहां पर एड्स की बीमारी हो रखी है, किसी को यहां पर प्रोस्टिट्यूट को एड्स की बीमारी है, और यहां पर वो जो है किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो ये एड्स की बीमारी जो है कितने सारे लोगों तक फैल सकती है। तो यहां पर क्या हो गया, ये खतरनाक चीज हो गई। तो अगर कोई ऐसी जो यहां पर कोई ऐसा इंसान है जिसको यहां पर ये बीमारी है और वो यहां पर इस
पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, लड़की नहीं, यहां पर कोई लड़का भी हो सकता है अगर वो कोई ऐसा काम करता है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक तरीके से ये सही नहीं है, एक तरीके से सोसाइटी के लिए एक तरीके से, तो उसको रोकना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग जो है उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रोटेक्शन जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छे लेवल पर बताई नहीं जाती है, उसके डरते हैं लोग। आज की डेट में भी अगर दुकान पर आप लोग जाओगे तो छोटी छोटी चीजें लेने से भी लोग जो है वो डरते हैं, शर्माते हैं। मैंने बोला था ना अभी कुछ दिनों पहले, एक अंकल थे तो वहां पर वो दुकान पर गए कि उन्होंने बोला कि कॉन्डोम दो, ठीक है, तो जैसे ही स्टोर वाले ने उसको उसको वैसे ही पकड़ा दिया, तो उन्होंने बवाल करके रख दिया वहां पर, बहुत बुरी तरह, मतलब वहां पर ऐसा हो गया मैं दुकान बंद कर दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा। इसी के साथ में अगर जो पैड्स होती है पीरियड्स के टाइम पर लाई जाती है, उनको भी ब्लैक रैपर में लपेट कर लाया जाता है, क्यों, क्योंकि पता ना चल जाए ऐसा लगता है कुछ गंदा हो गया। तो ये ऐसी चीजें अगर बच्चों को ये बताते नहीं तो उनको लगने लगता पता नहीं यार क्या हो गया ये, ठीक है, तो बच्चों को अगर ये सारी चीजें बताई जाती है तो समझते हैं, फिर आगे चलकर उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वरना फिर क्या होता है, जान है तो जान है, अगर बच्चों को बताओगे नहीं, कभी किसी के साथ में कोई ऐसी सिचुएशन फंस रही है किसी की, तो वहां पर पता चला बीमारी का शिकार हो गया। तो ये सारी बातें बच्चों को भी कम से कम बतानी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ना ओलंपिक में कितने सारे कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो इतनी बड़ी न्यूज बन गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सारी बातें आप लोग बच्चों तक भी यहाँ पर ये बातें शेयर की जा सकती हैं, पर लेकिन थोड़ा सा अभी हमारी सोसाइटी कुछ ऐसे लोग हैं जो शेयर करते हैं, पर लेकिन कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बातें करते हुए अपने बच्चों के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो एक तरीके से ये इसीलिए होते हैं कि जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं आप लोग उनको दिखा सकते हो, जैसे पेरेंट्स मान लीजिए कोई लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को लेक्चर दिखा सकते हैं कि हाँ आप नहीं समझा पा रहे हो तो मतलब मेरे थ्रू, इनके एज ए टीचर मैं ये बातें बताता हूँ, जैसे हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी स्कूल के टाइम पर, तो पेरेंट्स ने नहीं बताई, तो टीचर्स ने वहां पर बताई उस तरीके से। तो कम से कम जो टीचर्स कम्युनिटी है वो मैं उनसे ये चीजें रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर कोई लेक्चर सुनता है, कि ये सारी चीजें बच्चों को बताओ, ताकि बच्चे जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके और इन चीजों को आगे लेकर चला जा सके, और खासकर बीमारी जैसी चीजें ऐसी जो लगती है दुनिया भर की एड्स की बीमारी लोगों को होती है उसको रोका जा सके, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो प्रोटेक्ट करना है कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम्स को, या फिर शेड्यूल ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पर हमारा बाहर का कोई इंसान नहीं जाना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी यहां पर बेसिकली ये कुछ सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर कराते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। तो कहने का मतलब यार यहाँ पर ये यह हो गया कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोग इस तरीके से इसको देखेगा कि ऐसे भी मुद्दे आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करने वाला मुद्दा हो गया, पहली तो बात यह है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर कोई आप लोगों का अधिकार है तो आप लोगों का अधिकार वो आप लोगों का अधिकार है, दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी जाकर आप लोग रह सकते हैं देश के अंदर, कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं, वो सारे अधिकार है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग गाली गलौज करोगे, ठीक है। चलिए दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों की कवर कराता हूं, ये आप लोगों से कई बार पूछ भी ली जाती है। यहां पर ये नेक्स्ट आर्टिकल है, छोटे छोटे आर्टिकल है, आर्टिकल के मतलब दो लोकेशन के बारे में बात की जा रही है। कई बार आप लोगों से कई सारी लेख दे दी जाती है और उनको मैच करने के लिए पूछ लिया जाते हैं। तो ये प्यारी सी खूबसूरत जी जो तस्वीर आप लोगों को देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को स्टेचू देखने को मिल रही है बुद्धा जी की, तो ये कहां पर है, ये है हुसैन सागर लेक। तो याद रखिए कहां पर है, ये हैदराबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक ऐसी ही लेक यहाँ पर अभी दिखाई गई है, ये इसमें दिखाया गया कि पिंक कलर की ये अभी यहाँ पर स्टेचू स्टेब्लिश की गई है हैदराबाद के अंदर में, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर दिखाता हैदराबाद के अंदर में, जहां कंस्ट्रक्शन काफी लार्ज स्केल पर चल रहा है आसपास वाले एरिया में आप लोग देख रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक है जिसका नाम है यहाँ पर, यह है नगीन लेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों से पूछ जा सकते हैं नगीन लेक कहाँ पर है, ये श्रीनगर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं, आप लोग मान लीजिए किसी भी सिटी में रहते हैं देश के अंदर, क्या वहां पर कोई लेक है? अगर हाँ तो उस लेक का नाम आप लोग बताइए कि हाँ हमारे एरिया में ये वाली लेक है, ठीक है। तो अपने अपने एरिया का राज्य का नाम लिख सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, और आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो अपने एरिया के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा कम से कम, सॉरी यार, ठीक है। और देखो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी थोड़ा ध्यान रखो, ओके। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ काफी, पर लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है, मतलब पर लेकिन इतना नहीं कि आप लोग काम भी ना कर पाए, आप लोग का काम हैम्पर हो जाए, पढ़ ना पाए, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो ना कर पाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यूएसए के बारे में। तो यूएसए के द्वारा काफी एक बदतमीजी वाला स्टेप, मैं इसको बोलूंगा, मतलब पर्सनली मुझे जो लगा, इसने क्या किया, ढाका के ऊपर कुछ एक तरीके से यहाँ पर इनकी जो पैरा यूनिट थी, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं ना हमारे कंट्री में है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, तो इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा दे। तो ढाका की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया इनके द्वारा, जो कि रैपिड एक्शन बटालियन है ढाका के अंदर में, बोला गया ह्यूमन राइट का वायलेशन वो कर रहे हैं और उनके ऊपर यहां पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए ये इनका यूनिलेटरल डिसीजन है, यूनिलेटरल मतलब ये कोई यूएन ने प्रतिबंध नहीं लगाए, ये यूएसए ने प्रतिबंध लगाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है आप नीचे भगवान है, यानी कि यूएसए कभी कभी लगता है आप नीचे यूएन है, तो ये जब भी चाहे ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं आप लोगों को, मतलब किसी भी सेंक्शन लगा देते हैं फिर कहते हैं फॉलो करो। हद तो तब हो जाती है जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने रशिया के ऊपर सेंक्शन लगा रखा है इसलिए इंडिया जो है रशिया के साथ में S-400 का व्यापार नहीं करेगा। अरे भाई साहब यार तुम्हारा उसके साथ में दुश्मनी है, हमारा तो दोस्त है वो, भाई साहब हमारा तो काम आता है वो,
हम कैसी हरकतें करें। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो शेख हसीना गवर्नमेंट जो कि इतने लार्ज स्केल पर काम करती है, कोई भी ऐसा वहां पर उल्टी सीधी हरकतें होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, आतंकवाद हो गया, तो ये सारी चीजों को रोकने का काम करती है, तो उसकी गवर्नमेंट के ऊपर सेंसर लगाना ये गलत काम है। तो ये यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो जो ये अभी यहां पर अभी इनके द्वारा इम्पोज किए गए सेंक्शन ये सही नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो यूएसए के द्वारा जो यूएसए का जो यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगाया गया कि सीरियन राइट का हनन करते हैं यहां पर, माइनॉरिटी के खिलाफ यहां पर ढंग से प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सब मुद्दे इनके द्वारा देखे। अब इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्यों? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो यहां पर अभी जब सेलिब्रेट किया जा रहा है इनका, जी हाँ, पर इनका जो सेलिब्रेशन अभी चल रहा है, 50 साल पूरे हो चुके हैं इनकी आजादी के। आप लोगों को पता है 1971 में बेसिकली ये वार चली गई थी और अभी हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। तो ये जब 50 साल का जो सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, तो हमारी कंट्री की साइड से जो लिब्रेशन डे ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस लिब्रेशन डे में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है और ये याद रखेगा, सबसे पहले ये मान्यता था कि भूटान के द्वारा यहां पर इनको आजादी का एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ एक नया बांग्लादेश पैदा हुआ है, और दूसरे नंबर पर इंडिया, ये इंपोर्टेंट मुद्दा है। बाकी एक इंपोर्टेंट मुद्दा ये याद रखेगा कि यहां पर अगर बात करें डिक्लेरेशन जो दिए गए थे यहां पर कि हाँ ठीक है इंडिपेंडेंट हो गए 26 मार्च 1971 में, पर लेकिन आगे भी काफी लंबे समय तक चीजें चलती रही। 16 दिसंबर को ये अपना वी यानी कि एक तरीके से विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं और इनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी 16 दिसंबर ये 1972 को ही आया, तो 16 दिसंबर काफी इंपोर्टेंट डेट इनके लिए हो जाता है। अभी यहां पर हमारी कंट्री से क्यों रिलेशन है इसका, तो मैंने आप लोगों को जब नेवी डे सेलिब्रेट किया था 4 दिसंबर को तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, याद रखिएगा नेवी डे की थीम भी मैंने आप लोगों को बताई थी यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देखिए ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो इस तरीके फैक्ट्स और फिगर होते हैं, क्योंकि यहां पर तो पूरा मैं न्यूज़पेपर का डिस्कशन करता हूं, जो न्यूज़पेपर में आता है वो सारी चीजें कवर करता हूं, ठीक है, पर लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अलग रहती हैं, थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, वो सारी चीजें ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स हो गए, या फिर एक तरीके से पीआईबी की जो न्यूज हो गई, वो सारी आप लोगों की सेकंड वीडियो में कवर करता हूं, जो एक्स्ट्रा चीज आप लोगों की बच जाती है। तो दोनों वीडियो में करंट नहीं होता है, कभी आप लोग एक बच्चे बोला सर दोनों करंट की वीडियो कैसे देखेंगे, अरे करंट थोड़ी ना है मेरे भाई, आप लोगों को लग रहा है ये मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाई है, जो राम कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये पूरा ये करंट है क्या कहीं से भी, ये आप लोगों का पॉलिटिकल चैप्टर कवर हो चुका है यहां पर बातों ही बातों में, ठीक है, तो ये करंट नहीं होता है, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो करंट को करंट की तरीके से मतलब करंट वो है, वो करंट वो रहता है जो न्यूज़पेपर में आता है, पर लेकिन जब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताई जाती है तो फिर करंट नहीं रहता है, ठीक है, तो वो स्टैटिक भी कवर होता है बहुत सारा आप लोगों का। ये सारे इतने आर्टिकल मैंने बता दिया, आर्टिकल 19 मैंने आप लोगों को यहां पर पूरा पढ़ा दिया कि आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या आता है, क्यों ये आप लोगों को करंट लग रहा है क्या, ये पॉलिटिकल चैप्टर आप लोग के कवर हो रहे हैं साथ साथ में, तो जहां पर लोकेशन ज्योग्राफी की मैंने आप लोगों को बताई तो ये करंट थोड़ी ना होगी, मैच करने के लिए आप लोग आ जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, तो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, तो हमेशा कंबाइन करके डिस्कस करो, काफी सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप लोग खुद से नहीं कवर कर सकते, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं इसको कंबाइन करके इकट्ठा करके आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करा देते हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाती है, बस थोड़ा सा रिविजन और करते रहिए, फिर वो चीजें आप लोग खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा आप लोगों को जरूर फोकस देना है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था नेवी डे के टाइम पर कि 2021 में तो स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो विक्ट्री भी थी यहां पर पाकिस्तान के ऊपर 1970 वॉर की, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बांग्लादेश भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब दोनों का सेलिब्रेशन मिल गया तो जब मिल बैठेंगे तो यार तो जमेगा खूब रंग, तो वही बात होगी, तो इससे पाकिस्तान को चिढ़न होगी थोड़ी सी, ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेवी के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई थी, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये तो सारी बातें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, वैसे ये नोट्स में मैंने फिर से डाल दिए ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं, थोड़ी सी आप लोगों को दो चीजें मैं बता देता हूं यहां पर, एक तो इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री आप लोग समझिए, लड़ाई कब कब हुई, तो कई टाइम पर आप लोगों को यहां पर वॉर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आजाद होते ही पाकिस्तान को लगा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, ठीक है, तो उनको लगा कि आई एम स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को, पर लेकिन पाकिस्तान जो है जैसे उसको लगा आई एम स्ट्रॉन्ग तो पाकिस्तान का सारा स्ट्रॉन्ग होना जो है वो एक मिनट में निकाल दिया इंडिया ने, ठीक है, तो फर्स्ट वार जो हुई कश्मीर को लेकर, तो उस टाइम पर कश्मीर हमने अपने हवाले कर लिया, ठीक है, फिर यहां पर आगे चलकर बार हुई 1965 में, फिर से लगा पाकिस्तान को आई एम स्ट्रॉन्ग, तो फिर से पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग खत्म हो गया, फिर 1971 में फिर लगा पाकिस्तान को आई एम स्ट्रॉन्ग, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग लग कैसे गया है, क्योंकि देखिए कभी भी अगर बात करो आप लोगों से पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान की आर्मी है ना, उनका बिल्कुल वही काम है जो नॉर्थ कोरिया के अंदर में, यहां पर नॉर्थ कोरिया है, मतलब क्या है, मतलब यहां पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी, नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है वो चाइना के ऊपर कूदते हैं काफी हद तक, तो पाकिस्तान उस टाइम पर यूएसए के ऊपर कूदता था, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के लोग नहीं है, प्लीज यार बहुत सारे पाकिस्तान के लोग देखते हैं उनको लगता है मैं उनको बोलता हूं, आप लोगों के लिए नहीं है, बेसिकली आप लोगों की गवर्नमेंट के बारे में और आप लोगों की जो वहां पर जो बेसिकली जो टेररिज्म जो है एस्टेब्लिशमेंट उसके बारे में बातें की जाती है, ठीक है,
तो आप लोग उसको पर्सनली मत लिया कीजिए यार, आप तो हमारे जैसे लोग हो। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो बात की जाए तो जो भी यहाँ पर इनकी आर्मी जो है वो हरकतें करती है, उनको लगा आई एम स्ट्रॉन्ग, तो वहां पर पाकिस्तान को कुछ खिलौने मिल गए, चाइना से कुछ मिल गए, यूएसए से, तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए इंडिया के ऊपर आए, इंडिया ने फिर तमाचे मारे, फिर उनको वापस किया। तो ऐसी ऐसी कई बार यहाँ पर फिर आगे चल के कारगिल की वॉर होगी, तभी ऐसी हरकतें देखने को मिली। अभी यहाँ पर इनके द्वारा अटैक किया गया हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, तो तब भी हरकतें देखने को मिली। अभी इनके द्वारा मुंबई में अटैक किया गया, फिर यहाँ पर पुलवामा अटैक, तो दुनिया भर की हरकतें इनके द्वारा की जाती है, टाइम टू टाइम ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हम लोगों ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो पर लेकिन फिर भी वही है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए कि कुत्ते की पूंछ कितने भी दिनों में रखो, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो सारी चीजें। तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, पर लेकिन जो 1971 की जो वॉर है यहाँ पर, ये 7 मार्च का स्ट्रगल जब इनका देखने को मिला, 25 मार्च को यहाँ पर फिर ये ऑपरेशन जो है सर्च लाइट चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन सर्च लाइट जरूर याद रखेगा, ये पाकिस्तान की फोर्स के द्वारा चलाया गया था। अब बांग्लादेश के में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ कर मारकर, तो ये यहाँ पर खूना खून चीजें हो गई, लाखों लोगों की जान गई थी उस टाइम पर भी, ठीक है। 26 मार्च यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंस डे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। 27 मार्च जो था बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी फॉर्म की गई, ये हमारी कंट्री के द्वारा काफी बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई थी बांग्लादेश को, ये एक लोकल फोर्स बनाई गई ताकि लड़ सके, इंडिया डायरेक्ट जाकर तो लड़ाई करता तो वो गलत हो जाता, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं किसी को सप्रेस करने के लिए, किसी और का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने भी वही फंडा अपनाया, आवामी जो लीग है उसके जो लीडर थे वो एक्साइल में अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर में। दिसंबर 3 यहाँ पर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई हमारे दोनों के बीच में। 6 दिसंबर जो था ईस्ट जो पाकिस्तान की साइड से रिकॉग्नाइज कर दिया गया यहाँ पर कि बांग्लादेश भाई इंडिया की ऐसा कुछ हुआ है जिसको लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं अब वो बांग्लादेश कहलाया जाएगा। 14 दिसंबर 1971 में यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से जो भी चीजें थी पाकिस्तानी आर्मी की और जो लोकल कोलैबोरेटर थे वो सारी चीजें एलिमिनेट यहाँ पर कर दी गई, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर सारी चीजें जो थी कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तानी बांग्लादेश के हाथ में आ गई। 16 को यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी ईस्ट पाकिस्तान की साइड से उनके द्वारा घुटने टेक दिए गए और बोल दिया गया भाई साहब छोड़ दो, ठीक है। तो लाखों लोग लगभग 90,000 के करीब जो पाकिस्तान की फोर्स थी उनको सरेंडर करवा दिया गया इंडिया की फोर्स के द्वारा। 12 जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पावर में आ गए, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेशी बोला जाता है। तो ये पूरा मैंने वॉर के बारे में बता दिया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इनके बारे में नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसी में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, अब जो आगे मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए इससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल और देख लीजिए। अभी हमारे देश में ये बोला गया कि मैन इन इंडिया, ये लगभग 82% लेबर इनकम देखने को मिलेगी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें। तो यहाँ पर हमारा देश जो है अगर लेबर इनकम के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर टॉप पर चल रहा है चाइना इनकम इनइक्वलिटी के बारे में, श्रीलंका दूसरे नंबर पर, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर इंडिया, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। तो इनकम इनइक्वलिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर ये बातें बताई गई। पर लेकिन ये फैक्ट्स और फिगर आप लोगों से पूछे ना पूछे, पर लेकिन ये जरूर पूछेगा कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो काफी बड़ा मुद्दा है, ठीक है। फीमेल लेबर इनकम जो है वो काफी कम देखने को मिलेगी, खासकर बात करें एशिया का जो एवरेज है वो 27 है, पर लेकिन हमारी कंट्री में 18 है, यानी कि एशिया के अंदर भी काफी लो लेवल पर है। कई सारे मुद्दे हैं यार यहाँ पर, एक तो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी खतरनाक देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है 1% पॉपुलेशन जो है वो 1/5 टोटल नेशनल इनकम रखती है, यानी कि देश में जो 1% पॉपुलेशन है वो लगभग यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 20% इनके पास में पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी की जो बात करें बॉटम जो हाफ है, यानी कि नीचे की जो 50% पॉपुलेशन है उसके पास में ओनली 13% आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक लोग 20 रुपए ले रहा है और 50 लोगों के पास में ओनली 13 रुपए हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में हाउस होल्ड की वेल्थ के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी आज की डेट में जो स्टैंड करती है, तो 9,83,000 के करीब यहाँ पर बातें की गई हैं। तो ऑब्जर्व ये किया जाता है कि एक तरीके से जब से हम लोगों ने एक डीरेगुलेशन किया है, यानी कि एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया है, इसके ऊपर मैंने ना कई सारी छोटी छोटी सी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप लोग उनको जाकर सर्च करोगे तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। जब भी टाइम मिले इसके बारे में देखिएगा जरूर, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ से जानने को मिलेगा, उसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे। जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, ये भी काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा। तो फीमेल लेबर जो इनकम है, मैंने बोला ना अभी 18 आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये काफी कम है, जबकि यहाँ पर एशिया में भी काफी अच्छी है, तो हम लोग काफी नीचे हैं यहाँ पर, तो ये मुद्दा है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात करें जो कार्बन इनइक्वलिटी के बारे में, तो याद रखिएगा टर्म भी मैंने आप लोगों को बताई थी, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनइक्वलिटी नापते हैं यहाँ पर ई लिख देते हैं इसके आगे, तो ये कार्बन
डाइऑक्साइड इनिक्यूलेंट। तो ये यहां पर एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि कौन कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। मतलब अगर आज के डेट में आप लोग एक ऐसे घर में रहते हैं ना, वहां पर एसी है ना, वहां पर फ्रिज है ना, वहां पर कोई प्रॉपर और कोई बड़ी मशीन है कि रूम हीटर वहां पर है, कुछ नहीं है। पर लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके घर में सारी चीजें हैं और एक घर में वो अकेला इंसान रहता है और इस एक घर में यहां पर दुनिया भर के लोग रहते हैं गरीब एक प्रॉपर एक रूम के अंदर में, तो पता चला एक घर ऐसा है जहां पर हर एक रूम के अंदर एसी है, एक घर ऐसा जहां पर एक एसी है, एक घर ऐसा जिसके हर एक रूम के अंदर रूम हीटर लगा हुआ है, एक घर ऐसा है जहां पर एक ही रूम हीटर है, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि यहां पर कितना ज्यादा है जो जिसके हर घर के अंदर एसी लगी हुई है, तो वहां से कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होता है। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे देश में दिक्कतें काफी देखने को मिलती है, बॉटम जो 50 जो लोग हैं उनके घर में आप लोगों को कार्बन का जो एमिशन है इसका 1 आप लोगों को नजर आएगा। अगर मिडिल के 40 है उनका 2 नजर आता है, तो जो आप लोग बात करेंगे जो टॉप 10% है उनका 9 नजर आएगा, जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है उनका, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टॉप 10% जो है वो यहां पर बेसिकली निकालते हैं। तो ये सोचने वाले मुद्दे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये भी याद रखिएगा, तो राइट जो यहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आज के डेट में उसमें देखने को मिलेगा, आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, यानी कि लोगों के हाथ में आज के डेट में प्राइवेट प्रॉपर्टी काफी ज्यादा आ रही है, दुनिया भर के बिजनेस चल रहे हैं, तो वो सारी चीज देखने को मिल रही है। तो इंडिया के अंदर में 1980s में 280-290 के करीब थी, 2020 में यहां पर ये 560 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट यहां पर होता हुआ है। आगे बात करते हैं, यहां पर सजेशन क्या दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ टैक्स आप लोग लगाओ ताकि इस चीज को खत्म कर सको। वेल्थ टैक्स मतलब जो भी इंसान आज के डेट में वेल्थ, यानी कि जिसके पास में आज के डेट में ज्यादा पैसा है उससे पैसा लो और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये वेल्थ टैक्स होता है, तो उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर बात की जाती है जो इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट के बारे में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कई सारी और भी रिपोर्ट है, इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट, यहां पर ये इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं। तो यहां पर हेल्थ में काफी ज्यादा इनइक्विलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये हेल्थ की इनइक्विलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ में खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, सब लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी यानी कि स्वास्थ्य की फैसिलिटी सारी मिले। अब एक और यहां पर काफी खास मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये हमारे देश में किसके द्वारा रिलीज किया गया, याद होगा इसमें मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एवरी 4 इन इंडिया जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखने को, सॉरी एवरी 1 in 4 यानी कि हर 4 में से एक इंसान जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में गूंज रहा है। मतलब कैसे, या तो उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, या उसकी हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी नहीं रहेगी, खाने पीने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहेगी। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में इनके द्वारा बताया जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, और ये जो प्रस्तुत की जाती है ये वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब जो है वो यहां पर प्रस्तुत करती है, और ये बताना चाहती है दुनिया में कि भाई साहब लोग जो है बहुत ज्यादा अमीर भी है, बहुत ज्यादा गरीब भी है, उनको लेकर चल सकते हैं। तो इसके चलते तो ये गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन ताकि सोसाइटी को पता चले इसके बारे में, और फिर यहां पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ऐसे ऐसे टॉपिक जो है आप लोगों से आंसर राइटिंग में काफी यूज किया जाते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहां से कि बताओ इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाते हैं, और अगर लिखने के लिए आए तो हमारे देश में मुद्दे क्या क्या हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताई दिए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, तो डिटेल में मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पर बताया ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो आ रही सारी दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो जाए। ओके, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ भी रखा था उसको डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूज के पॉइंट फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे। ये था यहां पर आज की डेट में इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। याद होगा मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया में आया हथियार का सौदागर बन गए, मतलब हथियार बेचने इंडिया के अंदर में आए हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारे हथियार ऐसे हैं। तो इंडिया जो है हमेशा अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट करता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली यहाँ पर एक सीन भी दिखाया था बाहुबली मूवी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हथियार के सौदागर आता है और ये क्या करता है, कटप्पा बेसिकली खत्म कर देता है इसका हथियार, एक तरीके से बोलता है कि हमारे काम का नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी आज की डेट में इंडिया के लिए भी सेम कंडीशन है, इंडिया को भी बैलेंस बनाना पड़ता है, जैसे आप लोग दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाते हैं ना कि चलो पढ़ते हैं, नहीं यार रहने देते हैं कल पढ़ लेंगे, चलो आज आंसर राइटिंग करते हैं, नहीं यार कल कर लेंगे, चलो आज ना हेल्थ की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नहीं यार कल कर लेंगे। तो दिल और दिमाग के बीच में हमेशा आप लोगों की रेस चलती रहती है, और मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस चीज में आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, पढ़ते नहीं यार थोड़ा सा ना कुछ अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, किससे बात कर लेते हैं, वो वाली चीज आप लोग हमेशा जीत जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि अपने दिमाग और दिल के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना है, बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस जैसे इंडिया जो है वो रशिया और यूएसए में बनाती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो रशिया और यूएसए को बीच में लेकर चलते हैं इंडिया, सेम इसी पैटर्न में यहां पर रशिया लेकर चलता है इंडिया और चाइना को एक दूसरे के साथ में, तो ये भी इसको बैलेंस बनाता होता है, और इंडिया और यूएसए को साथ में लेकर चलना है, ये भी इसको बैलेंस बनाना है।
तो इंडिया यूएसए और इंडिया रसिया, इंडिया और जो यहाँ चाइना और जो रसिया, चाइना और जो यूएसए, इन सब में बैलेंस बनाना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जरूरी रहता है कि इनके बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली कई सारे इश्यूज देखने को मिले, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो हमारे देश में आए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और 21वें नंबर की थी। यहां पर याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, पर पहली 2+2 मीटिंग थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2+2 क्या होता है? हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो ये दोनों मिलते हैं और ये 2+2 यानी कि 4 मेंबर आपस में मिलते हैं और फिर काफी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग हो जाती है जब मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये पहली बार ऐसी मीटिंग यहां पर देखने को मिली, तो इसी के चलते यहां पर ये दिक्कतें सामने निकल कर आई कि यहां पर आप लोग आज के दिन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है। तो इसी के चलते उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मीटिंग देखने को मिली 2+2, अभी किसके साथ में? रशिया के साथ में। ऑलरेडी किसके साथ में चल रही है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, इनके जो क्वाड मेंबर है उनके साथ में हम लोग ये मीटिंग कर ही रहे हैं। तो क्वाड मेंबर को लेकर चाइना काफी टेंशन में भी रहता है और ये यूएसए को बोल भी रहा था, भी यार तुमने तो ऐसे ऐसे ग्रुप बना डाले हमको टैकल करने के लिए, कि आप लोगों ने क्या किया जापान को लेकर यहाँ पर, ठीक है, इंडिया को लेकर यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया को लेकर यूएसए ने ग्रुप बना दिया किसको टैकल करना है, किसकी बदतमीजी जो चल रही है साउथ चाइना सी में उसको रोकना है। तो बहुत सारे ऐसे इशू है, पर लेकिन मेरा पूरा जो मुद्दा भी यहाँ पर आप लोगों के सामने रहेगा, ये रशिया और इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो आप लोगों ने कई बार देख भी लिया और मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा भी लिया कि अभी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पर AK-203 जो राइफल है ये एमएटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, लगभग 6 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। देख लेना कितने जीरो लग गए 5 जीरो आएंगे 6 के आगे, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट डिकेड, डिकेड मतलब दशक साल, 10 साल, तो 21 से लेकर 31 तक अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में काम करेंगे। अब तक हम लोग क्या थे, इनके ग्राहक थे बेसिकली रशिया के, अब हम लोग ग्राहक न बनकर हम लोग पार्टनर बन गए, प्रोडक्शन पार्टनर मिलकर पार्टनर बन गए। क्यों? क्योंकि अब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रहेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया हम लोग कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक रेलोज करके एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके बारे में आप लोग कई बार बताया भी है। ये ऐसा एग्रीमेंट है कि अलग अलग जहां जहां पर भी जो जो बेस है, कई बार बता चुका है, एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग, अलग अलग कंट्री में अगर ये ब्लू है कि आप लोग देखते हैं ये सारे बेस है यूएसए के, जैसे हम लोगों ने यूएसए के साथ में कई सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, ऐसा ही एग्रीमेंट अभी रशिया के साथ में साइन किया, ठीक है, ताकि यहां पर अलग अलग एरिया में इनके बेस जो है वो हम लोग यूज कर सके और रशिया हमारे बेस यूज कर सके, लड़ाई के लिए नहीं। मतलब कल को आप लोगों को जहाज खराब हो गया उसमें दिक्कत है, ठीक है, पेट्रोल बोलो, मतलब जो फ्यूल होता है वो फ्यूलिंग करना है, उसमें कोई दिक्कत हो गई है, कोई मरम्मत वगैरह करनी है, तो उसके पर्पज से आप लोग यहां पर इनको यूज कर सकते हो। तो एक दूसरे का मिलिट्री बेस यूज किया जा सकता है, तो ये एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला। तो रेलोस ये एग्रीमेंट साइन किया गया जो यहां पर भी फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। नेवी में भी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा अभी आने वाले टाइम में। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके तौर पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हम लोग किस किस एरिया में क्या क्या कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कॉमकासा आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, रशिया के और यूएसए के साथ में। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, कॉमकासा की फुल फॉर्म बताइए आप लोग, ठीक है, क्या है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइए, देखता हूँ किस चीज को बताए। अभी जो मैं आप लोगों से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली बताई थी कि यहाँ, अरे नहीं नहीं दिखाना नहीं था काउंटरिंग अमेरिकन जो एक ही, अच्छा ये तो कार्ट्सा है, मैं जब भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसको देख लेना कार्ट्सा और कॉमकासा में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ट्सा लिखा हुआ है, मुझे लगा कॉमकासा लिखा हुआ है, ठीक है। तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर रशिया से जब हम लोगों ने हथियार खरीदे, तो यूएसए ने बोला कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा तेरे ऊपर कि तुमको हथियार नहीं खरीदने। इंडिया बोलेगा भाई साहब हम खरीदेंगे और डिलीवरी स्टार्ट हो गई, अब तुम देख लो। इसी के ऊपर अभी एक काफी बड़ी घटना देखने को मिली, चाइना ने यह बोला क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से बेसिकली S-400 सिस्टम खरीद रहा है, इसीलिए यहां पर जो यूएसए ने जो हमारे डिफेंस चीफ है जो बिपिन रावत जी, उनका जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश कराया तो उसमें यूएसए का हाथ है, तो ऐसी बातें चाइना के द्वारा बोलेगी। तो चाइना दर घटिया पॉलिटिक्स करता है, आप लोग समझ सकते हैं, जितना गिर सकता है कोई इंसान तो उससे भी नीचे गिर जाता है, तो अखंड गुनहगार आप लोग चाइना को बोल सकते हैं हर एक फील्ड में, तो ऐसी हरकतें इसकी देखने को मिलेगी। बाकी यहां पर ये भी बातें की गई कैसे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, अब कुछ एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर आज के दिन में, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस करने का चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें इंगेज करना, अलग अलग सेक्टर्स की जो इंगेजमेंट है, हम लोग हथियार में, वेपन में यहाँ पर, ठीक है, डायमंड में हम लोग व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीजें, काउंटर टेररिज्म कॉम्प्रिहेंसिव हमारी बेसिकली एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज चलती है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि सपोर्ट, एक मल्टी फोरम सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी एक दूसरे को। एक सेकंड रुक गया, थोड़ा सा नीचे पहुंच गया, अरे रुक जा भाई,
चलिए जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तब आप लोग ये दिक्कत है, यहाँ पर आप लोग ये पीपीटी सही हो जाएगी थोड़ा सा, आप सही है ठीक है। तो ये वाला है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर तो यूएन सिक्योरिटी गार्ड से, तो यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा रशिया जो है सपोर्ट करता हूं हम लोग को नजर आता है, पर लेकिन क्या हम लोग रशिया को कुछ फायदा पहुंचाते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है, सेम फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर रशिया, क्या कि चाइना को बैलेंस करने का काम करते हैं। अभी रशिया के द्वारा ये बोला गया इस एरिया में आओ और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि चाइना को बोल सकता है पर इंडिया को भी इन्वाइट किया गया यहाँ पर, तो रशिया ये नहीं चाहता कल को मुझे कोई ये बोलने लगे कि यार ये तो चाइना का छोटा भाई है, ठीक है। तो रशिया की एक अलग इंपोर्टेंस है यार, यूएसएसआर हुआ करता था उसके नाम से कांपते थे लोग एक टाइम पर, आज की डेट में ऐसा लगता है जूनियर पार्टनर बन गया चाइना का, तो जूनियर पार्टनर बनकर चाइना का नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए रशिया फॉरेस्ट जो रीजन है उसमें काफी ज्यादा रिच रिसोर्सेज है और इंडिया को बुलाया ताकि यहां पर चाइना को टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीजें देखने को मिली। इसी के साथ में यूरेशियन इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो रशिया जो है वो इंडिया को सॉफ्ट वॉर के तरीके से मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिला 1971 के वॉर में, कहने के लिए हम लोग अलग थे पर लेकिन रशिया हमका हमेशा सपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये काफी पुराने रिश्ते थे तो वो चीजें देखने को मिलेगी, पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी निकलकर सामने आते हैं। चैलेंज क्या है अभी, जो अभी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो अभी रशिया के साथ में जो दिक्कतें देखने को मिल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की और इंडिया के साथ में जो दिक्कत में देखने को मिल रही है चाइना की, तो चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, इंडिया के साथ में भी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी दिक्कतें निकल कर आती है और इंडिया की जो यूएसए के साथ में टाई जो है वो पास जा रही है तो इसकी वजह से रशिया को चिंता होती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया जो है वो वेस्ट की तरफ को जा रहा है। आप लोग इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा यहां पर देखिए एक मिनट, यहां पर इनका ये मानना है कि जो इंडिया है, अगर आज के में इंडिया की बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो वेस्ट की तरफ को जा रहा है। वेस्ट की तरफ को जाने का मतलब क्या होता है, वेस्ट की तरफ को जाने का इनका मतलब ये है कि हम लोग जो है आज के में यहां पर यूएसए की तरफ को ज्यादा हम लोग यहां पर घूमते हुए जा रहे हैं। मतलब क्या इसका मतलब समझते हैं अभी एक मिनट। ये मानना है कि इंडिया जो है आज के में जो यूएसए है तो यूएसए के पास में इंडिया जो है वो जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि जो भी काम इंडिया के यहां पर देखने को मिलेंगे वो यूएसए की साइड में ज्यादा है। और यहां पर रशिया के सारे में अगर बात करें तो रशिया जो है वो आप लोगों को चाइना के सारे में ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो रशिया ईस्ट की साइड को बढ़ रहा है और यूएनडीए जो है वो वेस्ट की साइड को बढ़ रहा है, जब से खासकर क्रीमिया वाला इशू यहां पर देखने को मिला तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया था। तो क्रीमिया क्या किया गया था, क्रीमिया हत्याया गया था किसके द्वारा, ये हत्याया गया था बेसिकली रशिया के द्वारा। तो ये जो मुद्दा था यहाँ पर क्रीमिया जो पेनिनसुला है ये रशिया के द्वारा हथियार लिया गया, तो तब से लेकर यहाँ पर रशिया को जो है प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ गई। तो ये कई सारे मुद्दे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बाकी और भी छोटे छोटे कई सारे मुद्दे हैं आज के में, जैसे यहाँ पर तुर्की के साथ में, ईरान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में इसकी टाई अच्छी हो रही है, पहले नहीं थी, पाकिस्तान को हथियार ही बेचने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों के बीच में चैलेंज भी है पर लेकिन मुद्दा क्या है, दोनों आगे लेकर चल सकते हैं। इंडिया जो है वो इंगेज कर रहा है रशिया के साथ में, इंडो पैसिफिक के अंदर में रशिया को भी साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया चाइना रशिया का खुद का एक अलग से यहां पर मीटिंग होती है तो उसमें किस तरीके से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फोरम में, ब्रिक के अंदर भी इंडिया रशिया है, यहां पर इंडिया रशिया चाइना के अंदर, G20 के अंदर, ईस्ट जो एशिया समिट होती है उसके अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मिलकर दोनों कंट्री काम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बात करें तो बात करते हैं कि इंडिया और नाइदर इंडिया नोर रशिया जो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई कल को इंडिया को बोले कि यूएसए का जूनियर पार्टनर है और रशिया को बोले कि चाइना का जूनियर पार्टनर है, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो हम लोग उससे अपनी अलग एक इमेज बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो ये मुद्दा भी आप लोग यहां पर याद रखेगा कि हम लोग किसी के नीचे काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पूरा आर्टिकल था, मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच जाता है तो टेंशन मत लिया कीजिए, उसको हम लोग संडे में देख लिया करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। एक मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा है कि अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो अभी एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में, खासकर अगर बात करें। और अभी यहाँ पर इसकी सेकंड एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट की जा रही है, 2019 में लाया था, तो अभी यहाँ पर 11 दिसंबर 2021 में इसको 2 साल पूरे हो गए, तो उसी के चलते यहाँ पर अभी इसकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में अभी आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, सिटीजनशिप के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो संविधान के अंदर पार्ट सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। तो ब्लैक डे इसलिए बोला गया क्योंकि अभी हमारे देश में यह बोला गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी के साथ में जो बांग्लादेश से अगर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी आना चाहता है, जो वहां पर माइनॉरिटी है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो वो इंडिया के अंदर आ सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में आजकल में आकर रहे हैं, खासकर बांग्लादेश से तो बहुत सारे लोग आए, तो उसी के चलते जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे एरिया में दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये इसी के बारे में बात है, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोग जरूर याद रखिएगा सिटीजनशिप के बारे में बात करें, और अगर सिटीजनशिप पूरा आप लोग समझना चाहते हैं तो देखिए आप लोग जाकर ना पॉलिटिकल लेक्चर देख लीजिएगा, सिटीजनशिप बाय वीर सर्च कर लेना, डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है, कोई टेंशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी।
एक बच्चा देखे आप लोगों को मैंने बोला कि सर आप पढ़ा दिया करो इसी के अंदर, आप बेसिकली इसको रिपीट कर दिया करो, सिटीजनशिप को यहीं पर ही पढ़ा देते। एक बच्चे के द्वारा ये बोला गया मैंने, क्या करता हूँ पॉलिटिकल लेक्चर देख लेना। तो यार देखिए ये पर्पज रहता है, मान लीजिए अगर मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता रहूंगा ठीक है, तो उसके चक्कर में कोई और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की छूट जाएगी ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन खुद से कर लें और मैं आप लोगों को नई नई चीजें बताऊं, वरना आप लोग क्या करेंगे पुरानी चीजें डेली डेली सुनते रहेंगे, मुझे क्या बिगड़ेगा, मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी है, वही चीज रिपीटेडली आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, मेरी कोई मेहनत ही नहीं बचेगी। पर लेकिन आप लोगों की बहुत सारी चीजें नहीं छूट जाएंगे और आप लोग कंपटीशन में पीछे रह जाओगे ठीक है। फिर बोलोगे सर वहां से क्वेश्चन आ गया, तो रिपीटेडली वो चीजें पढ़ाने से ज्यादा बेटर है कि थोड़ा सा रिवीजन आप लोग खुद से कर लें और मैं आप लोगों को नई चीजें ज्यादा पढ़ाऊं, उससे आप लोग क्या रहेगा रिवीजन आप लोग करेंगे पर लेकिन नई चीजें आप लोग की नहीं छूटेंगी, जो कि अगर आप लोग खुद से पढ़ने बैठोगे तो बहुत दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि नई चीजें ज्यादा आप लोग जो सीख रहे हो, एग्जाम जब पास में आता है तब आप लोग अपना रिवीजन करो दबाकर, क्या हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो कोशिश ये करनी है रिपीटेडली मुझसे मत कराओ, इसलिए मैं अलग से लेक्चर बना देता हूँ पॉलिटी, अगर मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा तो वही पढ़ाता रहूंगा फिर मैं आप लोगों को, इससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि आप लोग जो है कभी भी नया कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, पुराने में ही चीजें में घूमते रहेंगे, फिर बोलेंगे सर क्वेश्चन तो वहां से आगे, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिए ठीक है। आगे बात करते हैं, इसे पूसा डिकम्पोजर है ठीक है, जितना मुझसे होता है उतना मैं कवर भी करता हूँ, जो टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड अगर रहता है तो उसको मैं बताता भी हूँ डायरेक्ट आप लोगों को ठीक है। अब यहाँ पर ये सिटीजनशिप के बारे में नहीं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा होमवर्क हो जाएगा और जिसने पढ़ रखा है नजर आप लोग डाल लेना ठीक है। पूसा डिकम्पोजर के बारे में क्या बात है, यहाँ पर पंजाब के अंदर अभी एक स्टडी की गई और ये बोला गया यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा दिल्ली के अंदर में है, तो पूसा ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो इसमें बोला गया कि 78,291 के करीब अभी इंसिडेंट देखने को मिले 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, दुनिया भर की पाली जलाई गई है कहां पर, ये बेसिकली यहां पर पंजाब और हरियाणा के अंदर में, तो ये वाला इंस्टीट्यूट बता रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि जो पूसा डिकम्पोजर यहां पर लाए हैं उसकी वजह से कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, बोला गया था ना पूसा डिकम्पोजर आप लोग यूज कर लेंगे कि 45 दिन की जगह 20 दिन में चीजों को निपटा देगा, तो इसकी वजह से किसान जो है खेतों में पराली नहीं जलाएंगे, 4 कैप्सूल मिलाने हैं 25 लीटर पानी में और ये आप लोगों का टाइम पीरियड आधा कर देगा, तो पूसा डिकम्पोजर से कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। फिर भी उतने ही सारे इंसिडेंट जो है पाली के देखने को मिले ठीक है। ये काफी बड़ा मुद्दा कल जो है न्यूज में रहा, प्रोटेस्ट भी चला इसके लिए यहां पर, नमाज इन ओपन, तो यहां पर बोला गया हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कि मोहन जो यहां पर मोहनलाल जो बेसिकली खट्टर साहब हैं कि ओपन में खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ठीक है। तो उसके लिए कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिले, पहला तो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जैसे यहां पर बोला कि ओपन में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर क्या किया जाए, तो बोला जाए कि खासकर अगर बात करें तो गुरुग्राम वाले एरिया में तो इसको विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि कई बार बोला जाता है कि यहां पर ओपन में नमाज पढ़ने से दूसरे लोगों को परेशानी देखने को मिलती है, तो उसके लिए कोई प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, नहीं कहीं पर भी नमाज पढ़नी है, तो ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। तो यहां पर जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया के जो मार्क्सिस्ट वाले जो लीडर हैं उनके द्वारा बोला गया कि खट्टर साहब के द्वारा अपना कमेंट जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि इनका अधिकार है अपना जहां पर चाहे इंसान जो है वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। तो यहां पर खट्टर साहब के द्वारा ये बोला गया कि वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, इनके जो जमीन है, जो वक्फ बोर्ड जो रहता है वो जमीन को यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और वहां पर अपना जो भी काम कर सकते हैं अपना नमाज पढ़ना इस तरीके से ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये भी है, अगर बात की जाए मान लीजिए आज की डेट में अगर हर एक हिंदू, हर एक मुस्लिम, हर एक क्रिश्चियन अपने अपने जो अपने अपने जो रिलीजन का अधिकार है वो अगर कहीं पर भी खुले में अगर आकर करने लगे ठीक है, तो उसके चलिए दिक्कत देखने को मिल सकती है ठीक है। इतनी सारे रिलीजन है हमारे देश के अंदर में, तो सबको अपने रिलीजन का अधिकार है, पर लेकिन ये नहीं कि आप लोग उसको बेसिकली पब्लिक में डेमोंस्ट्रेट करेंगे। अगर कोई हिंदू है वो मंदिर में जाकर करें, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाकर करें, सिख है वो गुरुद्वारा में जाकर करें, तो इस तरीके से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर वो उसको बेसिकली अपने अधिकार को यूज कर सकते हैं। ये बातें मनोहर लाल खट्टर साहब बोल रहे थे। तो यहां पर दोनों की देखिए कंट्रोवर्शियल हालांकि इश्यूज बन जाते हैं जब भी रिलीजन के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि इंसान को बेसिकली एक स्पेस मिलना चाहिए, अगर कोई स्पेस नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का तो ही इंसान जो है कहीं बाहर जाकर नमाज पढ़ेगा ठीक है। अगर उसको प्रॉपर एक स्पेस मिल जाए तो इसीलिए बोलेगा जहां जहां पर भी वक्फ लैंड है तो वहां पर जाकर आप लोग नमाज पढ़िए, वहां पर उनकी जो वक्फ लैंड जो लोगों के द्वारा हत्या ली गई है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये एक इशू था। तो राइट टू रिलीजन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर रखा हुआ है पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, तो ये राइट टू रिलीजन के बारे में भी यहां पर बात करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है ठीक है। आगे बात करें तो एमएसपी के बारे में बात की जा रही है, तो एमएसपी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, ऐसी भी कुछ बातें बोली जाती हैं। देखिए एमएसपी जो है काफी बड़ा मुद्दा रहता है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग बोलते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर फार्मर को मिलता है तो उनको फायदा देखने को मिलता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को नहीं मिलता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। मैंने आप लोग कई बार पढ़ाया भी है, हल्का सा बता देता हूं, याद रखिएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है जिसको आप लोग CACP बोलते हैं ठीक है, उसके द्वारा लगभग 23 ऐसे क्रॉप हैं जिनको यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया गया है।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये आज के में 23 क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके से, जैसे अनाज हो गए, उड़द दाल मूंग ये सारी चीजें, इस तरीके से रॉ मटेरियल हो गए कॉटन जूट वगैरह, तो ये सारी चीजें यहां से प्रोवाइड करा जाती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये याद रखेगा, जब गन्ने के बारे में बात करते हैं तो गन्ने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता है, उसको बोलते हैं FRP, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। टॉपिक आते रहते हैं, फिर से कहीं आएंगे तो फिर से हम लोग कवर करेंगे मोटा मोटा आइडियाज के बारे में, आप लोग ये जरूर रखेगा जो बताया अभी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टाइगर इन बक्सा, तो बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार कई सारे टाइगर रिजर्व के नाम पूछ ले जाते हैं, तो याद रख सकते हैं। ये बक्सा किसके नाम से पड़ा, ये हिली एरिया है, तो BUXA, ठीक है। तो ये जो हिली एरिया है बक्सा, तो उसके में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भूटान है उसके साउथ में थोड़ा सा आप लोग जाएंगे, अगर लोकेशन में आप लोग यहां पर दिखाऊं, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व आप लोग यहां पर देखते हैं, भूटान हो गया यहां पर, ठीक है। तो भूटान के साउथ में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व अगर बात की जाए, तो लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहां पर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है, ठीक है, ये लीजिए। तो ये आप लोगों का बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया यहां पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऊपर भूटान हो गया, नीचे आप लोग यहां पर थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा, ओके। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई यहां पर, जो भी आप लोगों को दिखाई है, तो ये आप लोगों के सामने था। बाकी यहां पर बात की जा रही है पिनाई का, जो है उसकी एक्सटेंड की जा रही है रेंज, तो DRDO के द्वारा यहां पर टेस्ट किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि हमारे देश में खुद से हम लोग अपने आप ये सारे काम कर रहे हैं, किसी और के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि हम लोग अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो याद रखिएगा G7 कंट्रीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री आती है G7 कंट्री के अंदर, अगर पूछ लूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, तो USA हो गया, ये सारे टैकल कर रहे हैं रशिया को। तो रशिया को जो है बेसिकली टैकल किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि रशिया को यहां पर आज के डेट में उसके खिलाफ फ्रंट सा खुल गया यहां पर ये। तो देखते हैं कैसे चीजों को टैकल किया जाएगा और रशिया कैसे लेकर चलता है। ये पूरा मुद्दा चल रहा है यूक्रेन का इशू। तो यूक्रेन में जो मैंने अभी आप लोगों को क्रीमिया वाला एरिया जो बताया, जो मैंने अभी मैप में दिखाया था आप लोगों को यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला एरिया, वो हटिया लिया, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। चाइना जो है वो यहां पर USA को बेसिकली बोल रहा है, चाइना ने ब्रांड किया USA को कि USA क्या है यहां पर कि वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, ये USA की डेमोक्रेसी है ना, वो वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये इनके द्वारा बोलेंगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनके जहां पर भी ये गए हैं, अफगानिस्तान के अंदर गए हैं या इराक के अंदर गए हैं, लीबिया के अंदर जहां पर भी ये गए हैं, आज के दिन में एंट्री की गई है, वहां पर जाकर इन्होंने बर्बादी किया, लोगों को मारा है, तो ये बोला जा रहा है। बाकी USA जो है उसने सैंक्शन लगा दिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर और चाइनीज एंटिटी के ऊपर, तो ये भी काफी बड़ा एक छोटा सा मुद्दा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन राइट का हनन कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट के हनन के ऊपर ये सारे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को 10 दिसंबर को मैंने दोनों बातें बताई थी आप लोगों को, थोड़ा सा रिविजन कर लेना, पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा नैनो मैगजीन में भी स्टार्टिंग में, और जहां पर इसके अंदर भी हिंदू के अंदर भी मैंने कवर किया था। तो उसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, वरना अगर उसको पढ़ाने बैठूंगा लगभग 10 मिनट का आर्टिकल था तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था वहां पर, ठीक है। तो बार बार अगर फिर से रिपीट करूंगा तो बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने आप लोगों को टाइम बता दिया, एक बार हल्का सा टाइम निकाल के देख लेना तो आप लोग समझे पूरा आप टॉपिक आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो ये हम ये देखेगा, ठीक है। बाकी यहां पर अगर बात करें तो ये आज के दिन जो है कुछ आर्टिकल्स यहां पर आते हैं, ये आर्टिकल मैक्सिमम तो ये रहते हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, उनका रिवीजन रहता है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी यहां पर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो 5G टेक्नोलॉजी में माना जा रहा है कि USA जो है, ठीक है, तो USA जो है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा यहां पर एक तरीके से कि डायरेक्ट करेगा 5G टेक्नोलॉजी इन यूज इंपैक्ट ऑन फ्लाइट्स। तो आज के डेट में अगर बात करें 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर किस तरीके से इसको यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि जो USA का फेडरल ये एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहां पर कुछ स्टेप उठाए गए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी अभी हमारे देश में भी आने वाली है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट एयरटेल के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दिया गया, जियो से आगे चल रहा है एयरटेल, तो वो काफी बड़ा मुद्दा रहेगा। और चाइना की जो कंपनीज है उनको सपोर्ट न कराकर हम लोग अलग से काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। बाकी नीचे वाला मुद्दा आप लोगों से मैंने डिस्कस किए थे यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर। ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर क्या मुद्दा चल रहा है, अभी हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्स के द्वारा बेसिकली गलत इंफॉर्मेशन मिलने के चक्कर में कुछ यहां पर एक तरीके से नहीं एक अटैक किया गया यहां पर, सोच करके कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, जबकि वो कोल माइनिंग से आ रहे थे, तो उसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। तो फिर भीड़ ने आकर घेर लिया यहां पर चारों तरफ से आर्म फोर्स को, उनको फिर से यहां पर फायरिंग करनी पड़ गई और कई सारे लोगों की जान चली गई, तो ये पूरा बड़ा इशू बन गया। तो ये बोला कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो कि अधिकार देता है यहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को, वो अधिकार यहां से छीनना है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो काफी बड़ा मुद्दा ये बार बार यहां पर निकल कर रहा है। और ये फिर से ओमिक्रॉन के बारे में, तो ओमिक्रॉन बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना एक बार,
ओमिक्रॉन बाय वीर। देखिए जहां भी डाउट होता है ना थोड़ा सा एफर्ट डालो, अगर अभी आप लोगों ने लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलती रहेगी, पर थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें रिपीटेडली हैं आप लोगों के सामने। बाकी यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में आप लोगों को बताया दिया कि यहां पर जो रशिया के द्वारा हड़पा गया तो प्रो रशिया प्रोटेस्ट वहां पर हुए, तो उसके चलते आज के डेट में वो उसके अंदर है, तो उसकी वजह से इश्यूज देखने को मिलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इस चॉपर के बारे में जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली अभी हमारी कंट्री में, MI-17V5 के बारे में। तो ये रशिया के द्वारा यहां पर हमसे बेसिकली खरीदा गया था, तो रशियन मेड ये MI सीरीज है हेलीकॉप्टर की, ये काफी ज्यादा यूज की जाती है, पर लेकिन कभी कभी दिक्कतें भी देखने को मिलती है, तो ये इसी के बारे में एक्सप्लेन करें। तो रटना नहीं इसके बारे में कोई ज्यादा कि आप लोग इसको लेकर बैठोगे कि क्या क्या मुद्दे यहां पर बता रखे हैं, हल्का सा आप लोग आइडियाज के बारे में रखिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर हालांकि मैं आप लोगों को सोच रहा था एक्सप्लेन करूंगा, पर लेकिन बार बार ये छूट जाते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोगों से पूछा था कि कहां पर ये लोकेटेड है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां पर। तो आप लोग देखते हैं कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो नुब्रा वैली है इसके नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। बाकी एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, उसको तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन ही करूंगा, जो मैंने आप लोगों से पूछा था इसको फिर से अटेम्प्ट कर लेना, प्रीएम्बल के बारे में ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर दूंगा, मैंने पूछ रखा है, याद है मुझे, कंफ्यूजन मत होइएगा। एक बच्चा कह रहा है सर आंसर देना भूल गए, तो भूला नहीं हुआ यार, टाइम भी थोड़ा सा इशू रह जाता है, तो इसका आंसर जरूर दूंगा। बाकी आज का सुडोकू आप लोगों के सामने इसको अटेम्प्ट करना, और कल का सुडोकू का ये है आप लोगों के सामने आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो डिस्कशन है मिलता है, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नैनो वाला डिस्कशन जरूर देखना, उसमें रिवीजन नहीं किया, नए आर्टिकल डिस्कस किए हैं। तो बाकी एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।